गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग अपना मतलब लगेज रख रहे हैं क्योंकि कल रात हम लोगों का प्लान बना कि पुणे जाना है। तो कल रात में ही एकदम से ही मतलब टिकट कर ली हम लोगों ने। सो अभी सुबह सुबह उठ गए, हीना पैकिंग कर रही है इधर। हीना हेलो गाइस, अभी बस पैकिंग करके यहाँ से कैब बुक करेंगे, फिर उसके बाद में सीधा स्टेशन जाके। और टिकट कंफर्म है ना हीना? तो टिकट भी कंफर्म हो गई है, रात में ही बुक की थी 10-11 बजे। बड़ी जल्दी टिकट हो रही है आजकल, IRCTC बहुत तेज हो गया है। सब कुछ यार 5 बज गए हैं अभी और बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो उससे पहले हीना चाय बनाएगी बस थोड़ी सी मेरे लिए, बस यार वो चाय पी के निकलते हैं। मतलब बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो जाते ट्रेन में जाके सो जाऊंगा अभी। तो 20 घंटे लगेंगे अभी यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन से। तो सुपर फास्ट ट्रेन है ये, मतलब इससे जल्दी कोई ट्रेन नहीं पहुँचाती। तो 20 घंटे का सफ़र है, आप लोगों के साथ तय करना है, तो साथ में बने रहना। के घर पे देखा था ये पहली बार ऐसे करते हुए। हमारे घर पे तो मम्मी डायरेक्ट वो किसी और चीज से करती है, अदरक हो गया। अदरक हो कैब बुक कर रही हूँ। कर दी क्या? हाँ। किस टाइम तक आएगा? 4 मिनट्स अभी। पैकिंग हो गई? यस डन। सो गाइस बैग पैक हो गए हैं। ये बैग मैं टांग लेता हूँ, ठीक है ना? ये बैग वाला मैं कैरी कर लेता हूँ, इसे तुम पकड़ लेना। अबे बाप रे। सो सब तुम्हारे कपड़े हैं इसमें। मेरे हैं क्या इतने सारे? yes. तो बाहर आ गए हैं, बस कैब वाले का इंतजार है। पता नहीं यार किधर रह गया, ये अभी तक आया ही नहीं। 5 मिनट दिखा के इसे 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। हीना तो अभी तक ऊपर से भी नहीं आई है। हीना जल्दी। सो अभी तक अंधेरा ही है यार। OTP? वन सेकेंड। सो फाइनली निकल गए हम लोग यार, कैब वाले भैया भी आ गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? यूनुस खान सर। यूनुस खान। सो आज यूनुस खान हमें छोड़ेंगे हमारे स्टेशन तक और वहाँ से फिर कितना टाइम दिखा रहा है भैया? 36 दिखा रहा है। 36 मिनट तो लगभग मतलब 20 मिनट पहले पहुँच जाएंगे ही ना अपन, राइट? थोड़ा जल्दी निकल भी है ना जो स्टेशन है। हाँ थोड़ा मतलब अंदर जाने में भी टाइम लगता है, अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा जल्दी भी जाना पड़ता है। नींद आ रही है बहुत ज्यादा यार। रात सोए कहाँ, मतलब 1 बजे तो सोए हैं अपन, 3 बजे उठ के मैं तो उसमें भी नहीं सो पाया अच्छे से। पूरा अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है एकदम, मैं तो ट्रेन में जाते ही सो जाऊंगा। गाड़ी तो बहुत क्लीन रखे हो आपने। रखनी पड़ती है मैम अपनी गाड़ी है। हाँ सही बात है। मजा आ रहा है ना इन्हें? बहुत भारी है बैग, थोड़ा घुमाओ कर लो। तो भाई इतनी टाइट सिक्योरिटी है ना यहाँ पे, थी ना पूरे बैग के साथ में, मतलब किसी ने देखा भी नहीं इसके बैग में क्या है क्या नहीं, और इसने एंट्री कर ली। वो पुलिस वाला सो रहा है उधर आराम से। तो इस तरह की तो मतलब सुरक्षा हो रही है। I'm not a terrorist. She is not a terrorist, but वो केक है भैया पार्ले जी का? पार्ले वाला
कौन सा? मैजिक है। सारा लोकल ही मिलता है। कौन सा है भैया केक? और ये दे दो नीचे बेटा। इट्स नॉट अ लोकल, ये तो बहुत अच्छा केक है। और ब्लैंकेट्स तो बंद हो गए ना कोरोना के चक्कर में। कुछ भी नहीं, ट्रेन काफी क्लीन है पर, और चिल्ड भी है यार एकदम। मैं तो मेरा ब्लैंकेट लेके आया हूँ। सो फाइनली यार हम पहुंच गए अंदर, और बहुत ही चिल्ड हो रखी है एकदम ट्रेन यार। तो मैं तो मेरा ब्लैंकेट लेके आया हूँ बड़े वाला। सो अभी बस सो जाएंगे हम लोग, क्यों ना? तो अभी हम लोग सो जाएंगे यार, क्योंकि पूरी रात के जगे हुए हैं, और मिलते हैं उठने के बाद। तो बहुत कुछ एक्साइटेड होगा अभी ट्रेन के अंदर, 20 घंटे का सफ़र है तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अभी। सो गुड नाइट। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने सारा अपना जो भी पेंडिंग वर्क था वो फिनिश कर दिया है, और अब हम वडोदरा पहुंचने वाले हैं। हाँ, वडोदरा अखिल अभी तक सो रहे हैं। अखिल, अखिल अखिल उठ जाओ, 5 बज रहे हैं। हाँ 5 बज रहा है, अभी स्टेशन आने वाला है वडोदरा। मैं सबको यही बता रही थी कि जो हमारा ट्रेन का रूट है, कितने स्टेट चेंज कर लिया अखिल अभी तक? 3-4 कर लिए। नहीं, ज्यादा किया है। तुम फिर सो गए? वेक अप, चलो उठ जाओ। सो यार अभी ना वडोदरा गया है थोड़ी देर पहले, और सुबह से सो रहा था मैं तो, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही थी, और फिर मेरे मतलब पेट में भी दर्द हो रहा था, तो सुबह से मेरी आँख ही नहीं खुली। तो अभी मतलब उठा था मैं, बीच में उठा था एक बार थोड़ी देर के लिए, तो पेंट्री से खाना लेने गया था। सो अभी भी देखूंगा वहाँ पे क्या बन रहा है खाने में। ओए लड़की उठ जा। What's wrong with you? चलो पेंट्री। क्यों? मेरा मन नहीं। क्यों? चलो ना, चलो जल्दी से। तो रिसेंटली क्या हुआ यार, जब अभी वडोदरा का स्टेशन आया था तो वड़ा पाव वाला आया था अंदर। आई नो, बट क्या तो मेरी क्या गलती है यार उसमें? बाप रे, मैं इतना आगे तक घूम के आया, बहुत आगे तक गया सच में, कसम से बहुत आगे तक गया हूँ। याद है कॉलेज टाइम पे जब पेन की रिफिल लेने गए थे, कितनी दुकान घूमे थे? तो वहाँ पे ट्रेन नहीं थी ना, या ट्रेन छूट जाती है अगर मैं ज्यादा दूर जाता तो? अंदर ही ट्रेन से जाने बोली थी ना, मैंने बाहर थोड़ी जाने। चले ही ना। अभी गाइस हम लोग पेंट्री जाने वाले हैं, और पूछेंगे उन लोगों से कि खाने में क्या क्या है आज।
चारों कंपनी का हमारे पास राजमा चावल, राजमा की प्लेन राइस है, छोले की प्लेन राइस है, दाल तड़का भी प्लेन राइस है। तो अभी मतलब यहाँ कुछ नहीं बनता है? नहीं सर, यहाँ पर वो भी नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ गर्म करके आपको सर्व किया जाएगा। अच्छा, कोरोना से पहले तो बनता था? कोरोना से पहले सर चलता, अभी अभी ट्रेन ही कोविड स्पेशल के नाम पर चल रही है। हाँ, ये अभी खाने में कुछ भी नहीं है सर, रेडी टू ईट ही खाना हमारे पास रहता है और वही। रेडी टू ईट में क्या क्या है? रेडी टू ईट हाँ, राजमा चावल टेस्ट किया हम लोग ने। ये सब पैकेट वाले ही होते हैं, गरम करके देखो। इसके मत हल्दीराम्स का दिखा दो। हल्दीराम्स के हैं? हल्दीराम का भी लास्ट पीस है। अच्छा, लास्ट ही है क्या? मुझे की भी वो रखा हुआ है अपने पास, राजमा चावल। कितने स्टेट पार कर दिए हमने अभी तक? 5-6 आई गेस। महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र आने वाला है महाराष्ट्र। सबसे पहले तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात तो न्यू एडेड है, मैं हमेशा जब घर जाती हूँ। राजस्थान 6 और वही है बस। महाराष्ट्र नहीं कर रहा अभी, महाराष्ट्र आने वाला है कुछ टाइम में, तो 9 बजे के आसपास 6-7 स्टेट्स हम घूम कर आ चुके हैं। गुजरात तो मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मेरा एक्चुअली महाराष्ट्र भी इससे पहले, मतलब जब हम लोगों की शादी हुई थी तभी मैं फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन महाराष्ट्र भी मैं यार एक तो ये चाय वाले भाई हर 10 मिनट में आते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान है इस कोच में जिसे हर 5 मिनट में चाय पीनी है, हर 5 मिनट में आना। सुबह से सो रहे हैं, चाय 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 चाय, इतना इरिटेट कर देते हैं ना ये लोग कभी कभी। सो कैसा, मतलब कैसा लग रहा है अभी? हाँ सही है, पॉजिटिव आई भाई मुझे गुजरात वाला जो था पूरा रीजन। क्लीनिंग भी थी उस स्टेशन पे, थोड़ी क्लीनिंग भी थी, बाकी अभी तो सुबह से हम लोग बैठे हैं ट्रेन में। सुबह से सिर्फ मैंने 2 पेटीज खाई हैं, क्योंकि ट्रेन का मतलब खाना कैसा होता है मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, तो अभी पेंट्री में गए थे हम लोग तो वहाँ पे ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कैसा होगा खाना। तो ये घर से पूरी तैयारी करके चलती है, मतलब मैं घर से आता हूँ तो मम्मी पूरा एकदम पूड़ी वूड़ी बना के देती हैं लेकिन अभी इसने तो हम फिर सडनली से एकदम से प्लान बना, तो फिर पूड़ी वगैरह कैसे रात को बनाते वो ये कन्फ्यूज़न था, तो इसीलिए मतलब निकल गए खाली हाथ घर से। प्लान 1 बजे टिकट की है। हाँ, 1 बजे रात को टिकट की हम लोगों ने और सडनली एकदम से प्लान बनाए जाने का, तो बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं तो, पुणे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जहाँ जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है अभी तक कि हम लोग आ रहे हैं, तो रात को 2 बजे के आसपास हम पुणे पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से सीधी कैब करेंगे उनके घर के लिए, पता चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। और भाई मतलब बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं आपको पुणे में, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि 1 वीक के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा, देखूँगा कितना कर सकता हूँ। तो बाकी तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और हीना तो इतनी थक गई है ना, मतलब मैं भी सो गया था बट इसका तो मतलब एग्जिट के टाइम पे भी जब ट्रेन यहाँ पे रुकी इसका उतरने का ही मन नहीं कर रहा है। इसको 3-4 बार जगाया मैंने, उतर जा कि पुणे पहुंच चुके हैं, तब जाके मुश्किल से ये उतरी। कर रहा था